मन ही मन जपो और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के पावन सानिध्य में गुरुदेव के आशीर्वाद से चलने वाले इस गुरुदेव सियाग सिद्धि योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग के प्रोग्राम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि इस आराधना में दो कार्य है, एक मंत्र जप और दूसरा ध्यान। मंत्र किसी को मुंह से बोल के नहीं बताना और ध्यान में जो भी अनुभूति है सारे संसार में बताइए। तो जो अनुभूतियां जब हम यहाँ पर शेयर करते हैं तो अनुभूतियां जब वीडियो के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचती है, कई साधक जुड़ते हैं, बहुत सारे साधकों के कॉल आते हैं, नए साधकों की, हमने आपका वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा, हम गुरुदेव का ध्यान करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए प्रचार का एक एकदम सरल सा मार्ग है जिसमें केवल हम अपनी अनुभूति शेयर करते हैं। उस अनुभूति से कोई व्यक्ति अनुभव लेता है कि क्या ऐसा संभव है इस कलयुग में जहाँ पतंजलि योग दर्शन के 8 अंगों का पालन करना बहुत कठिन है, कुंडलिनी शक्ति स्वयं अपने अधीन उन 8 अंगों का पालन करवा करके मोक्ष तक विकसित कर रही है, अनेक लोगों की दिव्य अनुभूतियां हो रही है। तो मैं आपसे सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, ऐसा सुंदर जो प्लेटफॉर्म गुरुदेव ने यहाँ पर हमें उपलब्ध करवाया है उस पर अपने हृदय में जो भी विषय गुरुदेव के प्रति प्रेम में उमड़ता है, प्रेम में आता है, उसको जरूर रखें ताकि दूसरों को लाभ मिले। कभी कभी हम सोचते हैं कि वो मेरी तो अनुभूति बहुत छोटी सी है, मैं क्या सुना, इससे क्या होगा। नहीं, हो सकता है आपके माध्यम से गुरुदेव जो बुलवाए उसमें यहाँ बैठे या नहीं जो आगे देखने वाले सुनने वाले साधक है उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव गुरुदेव आपके माध्यम से बुलवा करके लाए। तो सभी से मैं बहुत बहुत आग्रह करूंगा और गेस्ट नाम से आईडी ने हैंड रेस किया तो मैं निवेदन करूंगा कि आप यहीं से शुरू करें। जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, गेस्ट नाम से आईडी है। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव एक करबद्ध प्रार्थना है आपसे। जी जी गुरुदेव, जय गुरुदेव, एक करबद्ध प्रार्थना है भाई आपसे। हाँ जी, हाथ जोड़ के विनती एक छोटी सी है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो उस समय आप जो भी गुरु भाई संचालन करते हैं मंच का, तो कृपया करके हमारे डिसेबल आप कर देते हैं माइक, और कृपया करके अपना भी डिसेबल कीजिए, क्योंकि मेरे को ये महसूस हुआ कि हम लोगों को दिक्कत होती है, बीच में काफी डिस्टरबेंस होती है, आवाज आती है, तो ध्यान लगाने की बजाय ध्यान लग नहीं पाता। जी गुरु भाई, बिल्कुल आगे से इसका ध्यान रखेंगे सभी टीम के सभी लोग, हम लोग क्योंकि सारे मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूँ तो और भी लोग महसूस कर रहे होंगे, बट लेकिन मैंने पहल करी इस चीज को बोलने की। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सहज भाव से कोई विषय रखा है। 40-50 लोग जो भी हम लोग जुड़ते हैं तो सभी को डिस्टर्बेंस होती होगी मेरे हिसाब से। जी गुरु भाई, बिल्कुल आपकी बात सुन ली गई है और इसके बाद में इसको आज के बाद में कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, इसका सदैव पालन किया जाएगा। बहुत सुंदर बात आपने रखी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शिष्य के लिए। जी गुरु भाई, बस भाई हम तो यही चाहते हैं सबका भला हो, हमारा भी हो साथ में। हाँ जी हाँ जी, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस विषय पर, अनुभव और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? जी बस गुरु भाई, अनुभव तो मेरे बहुत सारे हैं, शेयर मैं कर चुका हूँ पहले भी, बस आज यही थोड़ी सी प्रार्थना थी वो मैंने कर दी आपसे। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और भी कोई साधकों को लेते हैं, जो कोई साधक अपने आप पर अनुभूति शेयर करना चाहते हैं
हमारे बहुत सारे साधक जुड़े हैं, ओम प्रकाश जी गुरु भाई बहुत दिनों से बोले नहीं है, और केसी शर्मा गुरु भाई भी बहुत दिनों से आपने भी कुछ अनुभव सुनाए नहीं। तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारे साधक, पुराने साधक जो गुरुदेव के साथ जो सुंदर पल बिताए हैं, वो बहुत सुंदर पलों को, जी हैंड रेज किया है किसी गुरु भाई ने, तो उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज। आपका स्वागत करता हूँ मैं इस मंच पर। हेलो, जय गुरुदेव। हाँ पूजा गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और कोई इशू ना हो तो आप अपना कैमरा ऑन कर ले, अब बहुत अच्छा होगा। जय गुरुदेव सभी को। मैं अपना एक अभी कल परसों का ही एक अनुभव था, तो मैं आपको बता देता हूँ इस मंच के माध्यम से। वैसे पूजा गुरु बहन को सब जानते हैं, कोटा से जुड़ती है, गुरु महाराज की शादी का बहुत दिव्य दिव्य अनुभूतियां हैं इनकी, और इस अनुभूतियों में से एक अनुभूति हमारे इस मंच पर शेयर करती। मैं आपका स्वागत करता हूँ गुरु बहन। जय गुरुदेव जी, सुनाइए। मुझे है ना अभी कल परसों अनुभूति हुई थी, तो मैंने देखा कि उमा दी और हम दोनों इंडिया के मतलब साउथ में जा रहे थे बिल्कुल, और वहां पे है ना एक बहुत बड़ी सी गुफा थी, तो वहां पे बहुत कम लोग जाते हैं, मतलब पांच या छह थे वहां पे, ऐसे ज्यादा नहीं थे, बहुत कम लोग जा पाते, और बिल्कुल अंधेरा था उसमें है ना। तो वहां पे हम गए और वहां पे देखा तो ना एक तो हनुमान जी का स्टेच्यू टाइप बना होता, एक चबूतरा था बहुत बड़ा, 5x5 का ऐसे कुछ था वो, बहुत बड़ा उसमें वो बना हुआ था। उसके जस्ट पास में ईसा मसीह का स्टेच्यू बना हुआ था है ना, तो अच्छा। वहां पे सब लोग, हाँ ईसा मसीह का स्टेच्यू बना हुआ था, बहुत बड़ा था, 7-8 फीट के करीबन था, वो भी जब उन्होंने पैर ऐसे इकट्ठे कर रखे थे तब, इतना बड़ा स्टेच्यू था। तो है ना वो दिखा, तो वहां पे है ना बहुत सारे लोग जा रहे थे, और एक पेपर ले रखा था ब्लैंक, और उसपे जो भी अपनी प्रॉब्लम या जो भी विश वगैरह थी वो सबने लिख रखी थी, और वहां पे उनके जो पैर है ना वहां पैरों के पास रख के आ जाते थे सब, और है ना सब ऐसे थे कि यहाँ पे रखने के बाद कब विश पूरी होती है, मतलब ये था उनका ना, तो वो रख के आ जाते हैं और सब जा रहे थे। तो उमा दीदी ने बोला कि ठीक है अपन भी रखते हैं, तो उन्होंने ना लिखा कुछ एक पेपर पे, और हमने जैसे ये पैरों की तरफ बैठ गई उस स्टेच्यू के, और है ना मैं उसका उनका हाथ था ना वहां पे बैठ गई, तो वो जो स्टेच्यू था वो मतलब उसमें से ईसा मसीह वैसे वैसे सदरूप इंसान जैसे निकल गए तो वो अच्छे से तो वो फिर हमसे बातें करने लग गए। तो उन्होंने मैंने है ना बहुत सारी अनुभूतियां पूछी उन्होंने गुरुदेव की, जो भी थी ना वो बहुत सारी पूछी, और बहुत खुश हो रहे थे और मेरे से सुन रहे थे, फिर सुन के और फिर है ना फिर उन्होंने ना आशीर्वाद दिया, ऐसे बहुत लंबे हाथ थे उनके, पैर भी बहुत लंबे थे, फेस भी बहुत लंबा सा था, पतले से थे ऐसे, और उनके जो कपड़े थे ना वो थोड़े सिल्वर कलर के से थे, ऐसे थे उनके, हाँ। तो उन्होंने बहुत खुश हुए और मुझे ना बार बार आशीर्वाद दिए जा रहे थे, अरे तुम तो है ना मतलब ऐसे गुरु के शिष्य हो, मतलब तुम्हें तो कुछ भी मांगने की जरूरत भी नहीं है, और ऐसा कुछ है भी नहीं दे दू, तुम बहुत आगे ऐसे बोले जा रहे और खुश होए जा रहे। फिर उन्हीं के जस्ट पास उनके सर की तरफ ओगड़ संप्रदाय छत्तीसगढ़ में, तो उनके बहुत गुरुजी है, तो वो उनके वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया ऐसे, मैंने चरण स्पर्श लिए और दोनों आशीर्वाद दिए जा रहे थे और बोले जा रहे थे कि आप तो बहुत मतलब इसके इस जो गुरु है आपके तो बहुत महान है, और आपके उनके शिष्य भी बहुत महान है, ऐसे बोले जा रहे थे। बहुत सुंदर अनुभूति गुरु बहन। और जी और वहां पे ना एक भी छोटी सी गुड़िया ही थी, वो आती है कि है ना मुझे तो ना ये रिमोट खराब हो गया है मेरा, जो भी उनकी टॉयज थे ऑटोमेटिक, क्योंकि वो रिमोट खराब हो गया, आप मुझे तो यही चाहिए कि यही सही करना है आपको, तो फिर उन्होंने उनका वो भी सही किया ऐसे ऐसे दिखाई दिया। बहुत सुंदर अनुभूति गुरु बहन। और गुरुदेव तो स्वयं कहते हैं कि वो ईसा गया, ईसा कर नहीं सका, मूसा नहीं कर सका, वो मैं कर रहा हूँ, उनको यही तो समस्या है पश्चिम को। और ईसा 12 साल की उम्र में यरूशलम से गायब हुआ, 30 साल तक भारत में रहा, उसके बाद में यहाँ से चला गया, और 33 की एज में उनको क्रूसीफाई कर दिया।
तो वो कहते हैं ईसाई जगत को कहो उस ईसा को देखना चाहते हो तो मेरा ध्यान करो। तो जो गुरुदेव है जो थर्ड कंफर्टर जो यूज किया है जो वेबसाइट है गुरुदेव की कंफर्टर वेबसाइट बनाने के पीछे भी ये उद्देश्य था कि पश्चिम जगत इसको समझ पाए कि कंफर्टर कौन है। हमारे यहाँ तो जो है अवतारवाद का सिद्धांत उनका थर्ड कंफर्टर आना है तो वो जो कि रोजिनी बैठी थी और ध्यान में बैठी थी उसको आज्ञा चक्र पर स्वयं ईसा दिख गया और ईसा गुरुदेव में बदल गए। किसी का माइक शायद मुझे लगता है कि डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज आ रही है, प्लीज मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सेशन को स्मूथली चलने दें। हाँ तो गुरुबेन क्या है ना ये जो अनुभूतियां है ना ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के संस्कार जो होंगे वो संस्कार के अनुसार आपके जीवन में घटित हो रही है। बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां है कि ईसा कह रहा है जैसे मतलब उनकी लैंग्वेज भी जैसे गुरुदेव जैसी थी और गुरुदेव जैसे ही बोल रहे थे, बिल्कुल सिंपल ऐसे थे, मतलब बिल्कुल सत्य था। ये सिद्ध होता है कि वो जो थर्ड कंपटर आने वाला है ना वो गुरुदेव ही है क्योंकि ईसा ने ईसा जो और स्वयं कहा चश्मा कट रहे जी जी ओम प्रकाश जी। गुरु भाई आप अपना थोड़ा माइक म्यूट कर ले, उसके बाद में आपको बुलाएंगे, आपका चश्मा ढूंढ लीजिए जब तक। हाँ पूजा गुरुबेन और भी कुछ अनुभूति तो सुनाइए, मजा आ रहा है बढ़िया। हाँ नहीं अभी तो यही हुई थी। और चलो जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुबेन बहुत अच्छा लगा आपकी अनुभूति सुनकर के कि किस प्रकार से ईसा स्वयं कहता है कि कैसे गुरुदेव है आपको प्यारे, स्वयं कंफर्टर हमारे पीछे दादी कटे दादन बुला तो मोबाइल पड़ पड़ जाना। चलो पूजा गुरु भाई ना अपन कर। ओम जी गुरु भाई जय गुरुदेव। ओम जी गुरु भाई जय गुरुदेव। में ओम ओम प्रकाश जी गुरु भाई जोधपुर से जुड़ते हैं हमारे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन कर ले, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो यही दर्शन है। गुरुदेव कहते हैं कि भाई ओम जी का या तो माइक म्यूट कर दे, कर दिया गुरु भाई जी जी बहुत अच्छा किया गुरु भाई, इनको बोलना होगा तो वापस अनम्यूट कर लेंगे। चलिए तब तक दूसरे कोई साधक अपना जो एक्सपीरियंस है, जय सिंह गुरु भाई आपका कल का विषय अधूरा रह गया था, विषय आप पूरा कर सकते हैं, उसको मैं आपका स्वागत कर दूंगा इस मंच पर। जय सिंह गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जय। सर एक्चुअल में अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई जी, इधर रोड पे निकला हूँ सर। अच्छा अच्छा चलिए रोड पे निकले तो बढ़िया आनंद से घूमिए और बढ़िया आनंद लीजिए सत्संग का। और भी कोई गुरु बहन है, कविता गुरु बहन जुड़ती है, क्रांति गुरु बहन है, चेतना जी है, चौतमल जी गुरु भाई है, बहुत सारे साधक इसमें जुड़ते हैं जिनके बड़े सुंदर सुंदर अनुभव है। तो मैं चाहूंगा कि ये मंच जो है ब्लिंक न जाए, सीधा चलता रहे इस पर। गोकुल सिंह जी गुरु भाई है, हरलाल जी गुरु भाई है, बहुत सारे है, कच्छप जी भाटी बहुत दिनों से बोले नहीं है, कच्छप जी भाटी गुरु भाई जय गुरुदेव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। हाँ ओम जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव, आप आ गए हैं, आपका स्वागत है। जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ हरलाल जी गुरु भाई जी हम आपको लेंगे, जय सिंह गुरु भाई आपको भी लेंगे। ओम जी गुरु भाई माइक माइक म्यूट अनम्यूट कीजिए ओम जी गुरु भाई माइक माइक जी जी। अच्छा और जीएसटी का वो आ गया है, टेंपल से पर आ गया है। जय सिंह गुरु भाई आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए और ओम प्रकाश जी गुरु भाई कुछ कह रहे तो उनको सुनिए। जय सिंह गुरु भाई। हाँ हाँ ओम प्रकाश जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं ये कह रहा था सर अब मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। जी 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 मैं कई बार ध्यान में बैठता हूँ, आज भी मैं ध्यान में बैठा हूँ तो गुरु भाई ये जो मेरे मुंह से जो आवाज निकलती है ना इसका मेरे को समझाइए ये क्या चीज है। एक्चुअल में क्या है ना ये जो आपके जो जो क्या कहते हैं इसको अपना जो ये गले का जो भाग है यहाँ पर एक ग्रंथि होती है और ये थायराइड्स के संबंधित एक क्रिया होती है। अधिकांश साधकों को बहुत सारों को ऐसे होने लगी उनकी जो थायराइड की प्रॉब्लम थी वो मिट गई,
कहीं हो सकता है यहाँ पर कोई इश्यू हो तो उसको निकालने की वो शक्ति स्वयं करवाती। दूसरा क्या होता है, कभी कभी ओम का नाद भी होता है और वो शक्ति एनर्जी उठ करके मूलाधार चक्र से अलग अलग चक्रों में जो ऊपर जाती है, जैसे मूल बंद लग जाता है तो मूलाधार चक्र से उठ गई, उड़ियान बंद लग जाता है नाभि चिपक जाती है, तो यहाँ से जब शक्ति कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ जाती है तो ऐसा होता है। फिर कंठकूप में जब यहाँ से शक्ति ऊपर चली जाती है तो ऐसा होता है कि यहाँ पर आवाजें आती है। मेरे को भी पहले प्रारंभिक काल में ऐसा बहुत सारा अनुभव हुआ था और बहुत सारे साधकों को भी ऐसे अनुभव हुए। ऐसा मेरे साथ में कई बार हुआ है, कई बार। तो बढ़िया बात है। और भी हमारे कोई साधक इस विषय में कुछ विषय रखना चाहते तो ओम प्रकाश जी गुरु भाई बने हुए, इनका एक जिज्ञासा है, इनको ओम की नाद भी होती है, उल्टी उल्टी सांस चलती सीधी चलती और ओम पर आवाज आती है, अलग दो प्रकार की, एक ओम निकलता है फिर उसके बाद में दूसरा विपरीत दिशा में मकार की ध्वनि होती है, अ उ मैं, ऐसे इनकी ध्वनि इसके गले से निकलती घर्षण के साथ में। तो ये चाहूंगा कि और भी कोई हमारे पुराने साधक जो ऐसा अनुभव हुआ हो तो प्लीज उनको शेयर करें यहाँ पे। बाकी गुरु भाई और अनुभूति सुनाते रहिए, आपकी अनुभूति चलती रहेगी, कोई गुरु भाई बताएंगे तो। ओम जी जी, अनुभूति तो क्या है जी, गुरुदेव सिर्फ ऐसे ये करवाते हैं अनुभूति, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ये तो बड़ी दिव्य अनुभूति, ये बड़ी दिव्य अनुभूति है, किसके भाग्य में है कि गुरुदेव की आरती उतरवा रहे हैं बिना दीपक बिना बाती के। पर डे मैं आपके सेशन में बैठता हूँ, ये सिर्फ ऐसे ही चलता है मेरे हाथ। हाँ जी हाँ जी। बस हाँ, ऐसा बहुत सारी बार होता है, ऐसा गुरुदेव के चित्र के सामने जैसे ध्यान में करने बैठते बहुत सारी बार होता है। ये बहुत दिव्य अनुभूति है क्योंकि स्वयं वो प्रार्थना कर रहा है, वो आरती कर रहा है, अपनी जो सत्ता है तो वो आरती कर रही गुरु भाई जी। और कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई? और तो बस बढ़िया चल रहा है, गुरुदेव की कृपा है और आप जैसे गुरु भाइयों का साथ है, दिमाग एकदम प्रसन्न रहता है। और कभी कभी तो रामलाल जी गुरु भाई, सुबह ध्यान करके मैं जब दुकान जाता हूँ तो मुझे एक नशे की हालत रहती है कभी कभी, ऐसा लगता है मेरे शरीर में एक नशा सा छाया हुआ है। हाँ तो गुरुदेव स्वयं कहते हैं ना गुरु भाई जी, जब नाम का नशा चढ़ जाएगा तो और नशे फीके पड़ जाएंगे, और नशों का कोई मूल्य नहीं रहेगा, कोई उनका वजूद नहीं रह पाएगा ना। तो नाम का नशा है जो नाम का पीले पीले अमीर रस धारा, ये जो अमृत की धारा जो बह रही है ना अंदर से गुरु रूपी मंत्र से जो आनंद आ रहा है ना, वो एक नशा है। उससे फिर दूसरे अन्य नशों से छुट्टी हो जाएगी, अन्य चीजों से नफरत हो जाएगी और आनंद में बने रहेंगे जी। और अभी तक मेरे को गुरुदेव ये जर्दा खिला रहे हैं, अब ना जाने ये जर्दा कब छुटाएंगे। कोई बात नहीं, गुरुदेव तो स्वयं कहते हैं कि एक बोतल पीता तो डेढ़ पीते रहना, मंत्र जप करते रहना, नशा पड़ोसी को भी रहेगा तो आप जर्दा खा रहे तो खाते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है क्योंकि डिमांड है तो सप्लाई करनी पड़ेगी, डिमांड है तो सप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, और दारू तो मेरा 6 साल हुआ छूट गया। आपका शराब कितने दिन में छूट गया था गुरु भाई, गुरुदेव से जुड़ने के बाद में? देखो हालांकि मैं तो 97 से जुड़ा हुआ था, लेकिन उस समय कभी ध्यान करता था तो मन में आता कि यार देखो मैं एक तो अनपढ़ हूँ, वैसे पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे तो पढ़े लिखे की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी फेल। ओम जी गुरु भाई, इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाह रहा था, आप रोकूंगा आपको थोड़ा सा। इस आराधना में पढ़े लिखे की कोई जरूरत नहीं है, है ना। गुरुदेव कहते हैं ये तो अंदर का मैटर, तो अंदर तो सब पड़ा पुड़ाया पहले से ही है जी। गुरु भाई अब बोलिए। तो लॉकडाउन की टाइम मेरे को गुरुदेव ने फुल पकड़ लिया, अब मैं तेरे को अच्छा। नहीं छोड़ूंगा। तो इतने जबरदस्त मेरे को योगी क्रिया हुए, इतनी जबरदस्त योगी क्रिया हुई, मैं उसको चाहते हुए भी नहीं रोक सकता ना? और कभी कभी मन ये करता कब रुक जा, मेरे हाथ दर्द करने लग गए, लेकिन वो रुकता नहीं, क्या करूं। तो बहुत अनुभूति मेरे को हुई है गुरुदेव की कृपा से। लॉकडाउन के बाद में कंटिन्यू मैं इस सेशन से जुड़ रहा हूँ करीब करीब, और अभी तो मैं रोज डेली ही जुड़ता हूँ, रोज सुबह मैं। अब देखो गुरुदेव मुझे सुबह उठाते नहीं है, ना जाने क्यों नहीं उठाते, कभी आंख खुलती है तो मन करता है सो जा यार, अपन वैसे ध्यान कर लेंगे, ना जाने नींद मेरे को बहुत देते हैं गुरुदेव। क्यों मेरे को गुरु भाई,
बढ़िया है गुरु भाई, बुढ़ापे में नींद आती नहीं है आपको, नसीब हो रही नींद तो गुरुदेव की कृपा है, वरना लोग सोते कहाँ है बुढ़ापे में, भागे भागे फिरते हैं। नहीं भाई, आठ आठ दस दस घंटे मेरे को गुरुदेव सुलाए रखते हैं। क्या बात है। और फिर उठता हूँ, फिर उठता हूँ। जी जी जी, ये गुरुदेव की कृपा है। जी जी जी, तो चले बहुत अच्छा है गुरु भाई। ओम जी, गुरु भाई की जो शराब पीते थे, गुरुदेव की कृपा से वो शराब छूट गई है। साथ में उनको योगिक मोमेंट्स होते रहते हैं, ओम का नाद होता रहता है, और साथ में उनके हाथ जुड़ के आरती होती रहती है। ऐसी दिव्य अनुभूतियां गुरु भाई ने शेयर करी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ऐसी सुंदर अनुभूतियां सबके साथ घटित होती रहे। अब मैं राजेश जी गुरु भाई को, राजेश सिंह जी गुरु भाई को, क्रांति गुरु भाई से भी आग्रह करूं। क्रांति गुरु भाई, क्रांति गुरु भाई, जो ओम प्रकाश जी बता रहे थे ना, इनके ये जो एक तो भ्रामरी प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम हो रहा है जो है ना, और ये अच्छा। तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और हार्ट और ये बीपी वगैरह सबको कंट्रोल, थायराइड वगैरह सबको सही करता है, ये सब है। जय गुरुदेव, बिल्कुल जय गुरुदेव बॉस। रामलाल जी, अब गुरु बहन जो अभी कह रही है ना, तो मेरे हाथ के पूरे रूम पे खड़े हो रहे है ना। हाँ, पूरे रूम पे खड़े हो रहे। हाँ, तो गुरु बहन कह रही है तो उसकी एनर्जी जा रही ना आपके अंदर की, सत्य घटित हो रहा है। तो एक बोले दूसरा सुने, यहाँ तो सब ऐसे ही चलता है, क्योंकि वहां से भी गुरु बोलता है, यहाँ से भी गुरु सुनता है, तो सब में गुरु गुरु बसा हुआ, तो आनंद आ रहा है ना। बिल्कुल, संसार गुरु जी, गुरु भाई जब सारा संसार गुरुमय हो जाएगा ना, तब बड़ा आनंद आएगा। इसलिए बड़ा आनंद आएगा, इसलिए हमें अपने गुरु के प्रचार में, अपने गुरु के आनंद में रहना है, और बाकी सब कुछ गुरुदेव करने वाले हैं। मैं तो दुकान पे बैठता हूँ ना, जब मेरी इच्छा करती है, कोई कस्टमर आता है तो उनको मैं गुरु के प्रचार करने में लगा हूँ, और दुकान पे वो पैम्पलेट लगा हुआ है और गुरुदेव की फोटो लगी हुई है जो मेरे घर में लगी हुई है। जी जी जी, बस दुकान खुलते ही गुरुदेव के दर्शन मेरे को मिल जाते हैं बहुत, और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव आप ही हो बस। जी गुरु भाई, भाग्यशाली वो मनुष्य जो इस भागवत मुहूर्त के अंदर गुरु की शरण में आ गया, ये परम सौभाग्य का विषय। कहीं जन्मों के अच्छे संस्कार रहे होंगे इन सभी गुरु भाई बहनों के, इस मंच पर जो जुड़े हुए हैं या जहां पर भी संसार में गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। एक गुरुदेव का ही मंत्र है जो बड़ा अद्भुत आनंद देता है। चलिए गुरु भाई, बहुत अच्छा, मैं राजेश सिंह जी गुरु भाई को आमंत्रित करता हूँ। जय गुरुदेव। राजेश सिंह जी गुरु भाई यदि बने हैं तो, मैं आपने हैंड रेस किया था, प्लीज आप स्टेज पर आए और अपना मंतव्य। गोकुल सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, एक कृपा है, छोटा सा अनुभूति है, अनुभूति तो क्या, गुरुदेव ने जो साक्षात कृपा करी वो बताना चाहता हूँ। वैसे मैंने ग्रुप में डाला भी था, वो हमारे गोकुल सिंह जी गुरु भाई मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं और गुरुदेव के बहुत प्रिय साधक हैं और अपनी अनुभूति शेयर कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं गुरु भाई, कंटिन्यू करें। जी भाई, गुरु भाई तो अली खान गुरु भाई जो हमारे है, उनको भी करीब एक महीना पहले ही मैंने उनको गुरु दीक्षा के बारे में बताया था और उनको गुरु मंत्र वगैरह सुनाया, मोबाइल पे उनको पूरा व्हाट्सएप पे भेज दिया। वो दोनों पति पत्नी गुरुजी का ध्यान वगैरह करते हैं, मोमेंट नहीं, लेकिन वो बोलते कि नहीं मैं तो, मुझे सब मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, गुरुदेव भगवान है, वही अल्लाह है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, वो कर रहे हैं। और उनका बड़ा बेटा अभी शादी में गया था कार लेकर के, तो उसके बेटे का जो है अकेला ही था कार में, तो उनके कार का एक्सीडेंट हो गया। वो मैंने ग्रुप में डाला भी था, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ कि वो आयसर ने पीछे से उसको गाड़ी को दिया तो आगे जाके डिवाइडर में टकराया गाड़ी, वो डिवाइडर से टकरा के रिटर्न हुई तो आयसर ने फिर दोबारा टक्कर मारा उसका, तो फिर गाड़ी ने नीचे गई, वो तीन पलटी खाई गाड़ी। अच्छा। और कार वो पूरी टूट गई, कार तो पूरे शीशे वगैरह टूट गए, ऊपर से उसका कंप्लीट मतलब चूर मूर हो गई कार तो पूरी। लेकिन परमात्मा की कृपा ऐसी रही उसके ऊपर कि बच्चे को एक खरोच भी नहीं आया उसकी गाड़ी के अंदर, गाड़ी ने तीन पलटी खाई, तीन पलटी खाई, गाड़ी देखने वाले भी देखते रहे कि ये तो गया, अब कुछ नहीं बचना इसका, क्यों दो बार गाड़ी ने टक्कर मारी उनके, और तीन पलटी खाने के बाद में भी मतलब बच्चे को खरोच भी नहीं आई। क्या बात है गुरु भाई, ये गुरुदेव की ही कृपा है कि बड़ी अनंत कृपा। अभी वो गुरु भाई भी मेरे से बोलता है, मैंने कहा क्या लगता है, देखा तेरा एक महीने की ये जो तुमने मेहनत करी है, दस मिनट गुरुदेव को जो दिए है उसकी कृपा है,
तो बोलता है यार सब लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट और बच्चे को खरोच नहीं आई, ऐसे कैसे हो गया? तो ये तो मैं भी नहीं जानता कैसे हो गया। सही बात कह रहे हैं गुरु भाई, ये 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 उस ईश्वरीय सत्ता का ही जो है कृपा प्रसाद है कि वो ऐसे एक विभत्स दुर्घटना के अंदर भी वो उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। ये ईश्वरीय सत्ता हर पल हमारे साथ में रहती है, बस हमने विश्वास करना है, श्रद्धा भाव रखना है, सबको छोड़ करके केवल एकमेव गुरुदेव की श्रद्धा, गुरुदेव के प्रति समर्पण, गुरुदेव के चित्र में ही सब कुछ है। बाकी सब कुछ छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा ही आएगा। जी गुरु भाई, जबकि गुरु भाई उनका बच्चा कोई वो गुरु मंत्र का जाप भी नहीं कर रहा है, वो दोनों पति पत्नी कर रहे बस, है ना। लेकिन परमात्मा ना वो पूरा परिवार संरक्षण में आ जाता है। कोई कहे कि मैं करता हूँ, ये बच्चा नहीं करता, तो इस पे डिफरेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन हाँ थोड़ा धीरे पड़ेगा, लेकिन फर्क तो सब पे पड़ता है। बिल्कुल, गुरुदेव ने तो कहा मंत्र जपोगे तो निश्चित रूप से उसका असर तो सब पर ही आएगा। बिल्कुल, चाहे स्वीकार करे ना करे उसका असर आता है। और प्रार्थना जब होती है ना गुरु भाई, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। जब मौन प्रार्थना अंदर से होती है कि हे प्रभु सबकी रक्षा करना, तो उसमें अपनी रक्षा तो होती है लेकिन सबकी रक्षा होती है। जी गुरु भाई, और तो जैसे अभी आपने बोला गुरु भाई से कि कितने दिन में आपकी शराब छुट्टी, तो मैं भी एक्समैन हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। पहले डेली पीता था, थोड़ी बहुत दो पैग मारता था डेली का। अच्छा अच्छा। लेकिन गुरु भाई जिस दिन से मैंने टीवी मोबाइल के माध्यम से लिया था, इसके बारे में मेरे किसी ने जानकारी नहीं दी थी, और जिस दिन से मैंने शुरू किया था, स्टार्टिंग किया था, उस दिन मेरे बोतल में करीब एक डेढ़ पैग विस्की बची हुई थी, और वो एक डेढ़ पैग विस्की मेरी कम से कम डेढ़ साल तक पड़ी रही उसी बोतल के अंदर। दोबारा उसको टच करने की इच्छा नहीं हुई मेरी, किसको पीऊं पीऊं, तो मतलब उससे बदबू से आती कि क्या यार ये चीज अपने लिए नहीं है, ये चीज अपने को नहीं पीना, मतलब उसकी तरफ कभी इच्छा नहीं हुई उसको हाथ लगाने के तौर। फिर हमारे ससुर जी आए तो मैंने कहा ये अभी आप ले लो, ये मेरे को नहीं चलती, बंद हो गई। तो मतलब ये तो फर्स्ट वाले दिन जिस दिन से मंत्र जाप किया उसी दिन से बंद। हाँ, तो गुरुदेव बोलते हैं ना गुरु भाई कि मंत्र जब देखो मेरी कोई क्यों सुनेगा भाई, मैं कहता हूँ एक बोतल पीते हो तो डेढ़ पीना, मंत्र जब करते रहना, नशा पड़ चुके भी रहेगा, और लिकर का फैसला तो आज ही हो जाएगा। तो सच में एक दिन में हो जाता है, बहुत सारे साधक हमारे भी जी एक ही दिन में हो जाता है, ये बिल्कुल हकीकत है। उसी दिन बंद हो गई मेरी, मतलब क्या है कोई हाथ नहीं पकड़ता लेकिन इच्छा ही नहीं होती उसको लेने की, बिल्कुल डिमांड खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से डिमांड ही बदल देंगे। मैं एक को सुना रहा बता रहा था, उनका ऐसा भी संभव है क्या? उनका कि बिल्कुल संभव है। तो ये निश्चित रूप से एक गुरुदेव का ही मंत्र है, जो मंत्र अंदर से, मंत्र जब जपेगा तो वृत्ति बदलेगी, वृत्ति बदलेगी तो जो खान पान है वो उससे नफरत हो जाएगी, जो अभी चल रहा है उससे नफरत होकर के बदल जाएगा। बिल्कुल जी गुरु भाई, जी जी बहुत सुंदर अनुभूति गुरु भाई, बड़ा। और एक चीज गुरु भाई, जैसे हम बोलते हैं कि सभी गुरु भाइयों के अंदर से गुरुदेव ही बोलता है, इस चीज का मैंने अभी अनुभव किया, अभी करीब 8 दिन करीब हो गया होगा। तो मैं अभी बैंक में हेड कैशियर हूँ, तो केस बांटता हूँ, वहां पर एक लड़का जो कियोस्क वाला है वो मेरे से बात करता रहता है। तो वो किसी दूसरे की मेरे से बात कर रहा था, मतलब उसकी निंदा टाइप की कर रहा था। तो मैंने कहा भाई सबके अपने अपने तरीके है काम करने के, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपना तो ऐसा है कि मैंने कहा मैं गरीब आदमी को तो दूर से बुला लेता हूँ, कोई कमजोर आती है उसको बुला लेता, भाई क्या काम है आपका, लाओ मैं कर देता हूँ। बाकी कोई आकड़ वाला या पैसे वाला आता तो मैं उसको नहीं पूछता। मैंने पैसे वाले से तो अपने को बहुत चिढ़े, मैंने कहा जो ज्यादा घमंड बताता उसको मैं नहीं पूछता बिल्कुल। ऐसे हमने दोनों ने मतलब बात करी 2 मिनट की, और वही सपना मेरा भांडेज है वहां से करीब 15 किलोमीटर आगे, वो रात को वो सपना देखता है कि आप मेरे सपने में आए और ऐसे बोल रहे हैं कि पैसे वाले से अपने को बहुत नफरत है, पैसे वाले से आप बात नहीं करते ज्यादा, अपने गरीब आदमी का ख्याल रखते। मैंने कहा कब आया ये, बोल आज रात को ऐसा सपने में आप आके बोल रहे थे। मैंने कहा यार ये बात तो मेरी बैंक में एक लड़के से हुई थी, वो तुमने कहा सुन ली उसको, बोले मेरे को सपने में आके आपने ऐसा बोला। गुरुदेव कब किससे क्या बुलवाते हैं, कौन सुनता है और कौन सपने में देख रहा है वही चीज जो मैंने उसको बोला, वो उसको वहां पे सपने में आ रही। सही बात है गुरु भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो सारी चीजें हैं वो उस चेतना शक्ति का खेल है, उस कुंडलिनी शक्ति का, मात्र शक्ति जगत जननी का खेल है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को रचा है। तो हमारे अंदर भी है और बाहर भी क्रियात्मक रूप में, बाहर जो हमारे इंद्रियां और शरीर की जो क्रियात्मकता है उसको काम कर रही है, अंतर में आध्यात्मिक जगत में वो काम कर रही है। तो ये प्रोसेस पूरा कर रही मनुष्य जीवन का। जब कुंडलिनी शक्ति एक मनुष्य के अंदर से उठ करके सहस्त्राधार चक्र में पहुंच सकती है, तो फिर सभी के अंदर पहुंचेगी वो। बिल्कुल
वो भी दीक्षित है, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं सभी। मेरे रिश्तेदार तो मेरे किसी को नहीं छोड़ा, सबको जोड़ रखा है और सब कर रहे हैं, बढ़िया खुश है सब। जी गुरु भाई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये शरीर की संरचना सबकी एक जैसी है, तो इसलिए सभी के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर रूपांतरण हो सकता है तो मानव मात्र में रूपांतरण हो सकता है। इसलिए हमारे लिए पूरा खेल जो है केवल और केवल मात्र एक मंत्र जप और ध्यान पर टिका हुआ है, और आराधना के साथ साथ में हमारी साधना मार्ग में बढ़ते हुए इस जो गुरु प्रसाद जो हमें मिला है, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मुझे जो मेरे बाबा गंगाईनाथ ने जो दिया है, मैं इस मानव मात्र को इस प्रसाद का अधिकारी मानता हूँ और मैं इसलिए संसार में निकल पड़ा हूँ। उस पर किसी जाति विशेष का, देश विशेष का और धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं है। इसी प्रकार गुरुदेव के हर शिष्य पर भी जाति विशेष, धर्म विशेष और देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। जो प्रसाद गुरुदेव ने हमको दिया है, उस प्रसाद को जन जन तक पहुंचाते हुए अपनी आराधना को करते हुए मोक्ष तक विकसित होना है। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। हरलाल जी गुरु भाई को बुलाऊंगा, विजय लक्ष्मी गुरु भाई इनको उसके बाद बुलाता हूँ। हरलाल जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जी जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरलाल जी गुरु भाई हमारे 12 राजस्थान से जुड़ते हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस स्टेज पर, इस मंच पर। जी आपका स्वागत है गुरु भाई, कैसी आराधना चल रही है, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है? जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब तो बहुत सुंदर बच्चा हो गया, देखिए गुरुदेव का प्यारा बच्चा हो गया। ध्यान कर रहे हो ना? और गुरुदेव का मंत्र भी जप रहे हो? अच्छा, और गुरुदेव क्या क्या करते हैं ध्यान में आपके साथ में, बताओ ना। गुरुदेव खेलते हैं क्या? अच्छा अच्छा, जी 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 गुरुदेव। हरलाल जी गुरु भाई, इसका स्वास्थ्य में सुधार है? हाँ गुरु भाई, अभी तो है, अभी लास्ट मंथ फरवरी में तो नील लगा इसके इंजेक्शन, अभी तो नील लगा था पिछले महीने, निशान वगैरह तो बनते हैं। और जैसे लास्ट वीक में संडे को जैसे वो बच्चों वाला सेशन आता है ना, तो राघव से बहुत बातें करते हैं, तो क्या ये बताता रहता है मेरे आई हो गई, अब ठीक हो गई है, तो बहुत बातें करता है उनसे। मतलब एक संडे, एक सप्ताह के अंदर वो मतलब ठीक हो रहा है, मतलब बिल्कुल चेंजेज आएगा गुरु भाई, बिल्कुल। आप लोग दोनों तो मंत्र जप ध्यान कर ही रहे हैं और बस करते रहिएगा, गुरुदेव कृपा करेंगे। गुरुदेव बड़े दयालु हैं, सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो जब एक बच्चे का हीमोफीलिया ठीक हुआ है तो फिर संसार में सभी का हो सकता है। इसलिए हम इस विश्वास के साथ में, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव में हम सब बनाए रखें, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा गुरु भाई। जी सभी करते हैं गुरु भाई जी, इसकी मम्मी भी करती है, हम साथ में करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया गुरु भाई, तभी तो ये सब चेंजेस दिख रहा है। कब जब आप जुड़ते थे सेशन में शुरू शुरू में, तब और आज में बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है। और मेडिकल साइंस के अनुसार जब ये पूरी तरह से क्योर होगा, एक रिपोर्टिंग क्योर हो जाएगा, पेपर्स पर क्योर हो जाएगा, तो फिर हम निश्चित रूप से दुनिया के अंदर इस चीज को रखेंगे और गुरुदेव ऐसी कृपा करेंगे गुरु भाई। चलिए गुरु भाई बहुत सुंदर, और भी कुछ कह रहे हैं तो स्वागत है आपका गुरु भाई। नहीं गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हर जय गुरुदेव। मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं तो कहना चाहता हूँ कि तकलीफ की चिंता तो गुरुदेव की है, हमें तो उस चीज की चिंता करना ही नहीं चाहिए कि ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे हमें कोई लेना देना नहीं, बस हम अपना काम करते रहे, बाकी सब गुरुदेव पे छोड़ दो, वो कब ठीक करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसकी इच्छा। हाँ ये बिल्कुल सही कहा गुरुदेव ने, कहा कि भाई संजीवनी मंत्र इसको जपते रहो, किसी बीमारी से नहीं मरोगे, जिस डॉक्टर ने कहा कि इनक्यूरेबल वो ठीक हो जाएगी, बाकी विश्वास रख सकते हो, हमें करते रहना बाकी। जी जी, तो न जाने क्या क्या ठीक करते, हमें तो एक चीज दिखाई दे रही है कि इसको ये प्रॉब्लम, बाकी वो न जाने क्या क्या ठीक करते रहते हैं, वो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। हाँ नहीं बिल्कुल, जब उसका समय आएगा तो वो पल भर में उसको अलग साइड कर देते हैं, उसके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जी जी गुरु भाई, पहले ज्यादा चिंता होती थी गुरु भाई, अभी ऐसे वो सोचते ही नहीं इसके बारे में, तो ठीक है जो भी है गुरुदेव करेंगे, है ना, अपने तो ध्यान ही करना है। मुख्य बात वही है जो गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र जप करते 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 आपको चिंता फिकर सबसे मुक्ति हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, यही हो रहा है। क्योंकि पहले तो हम जिंदगी में सारी चिंताओं से घिरे रहते थे, सुबह शाम चिंताएं चिंताएं, टेंशन टेंशन, अब क्या है ना, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, जो है सब आनंदमय है, जो भी है संतुष्टि अंदर से आनंद है, सब गुरु की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है बस। चलिए गुरु भाई बहुत सुंदर, गुरु भाई जय गुरुदेव, विजय लक्ष्मी गुरु भाई इनको लेते हैं और
जी गुरु बहन विजय लक्ष्मी गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई अभी कुछ दिनों से बड़ा मानसिक रूप से बेचैन हो गए हैं और वो बेचैनी मेरा व्यर्थ का है। व्यर्थ का बोलने का मतलब कि जैसे भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई है और जिसके कारण हम हमेशा ही महसूस कर रहे हैं कि साधना में हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे साधना मेरी ऊपर जाती है पर वो भौतिक वस्तु है वो अपनी ओर आकर्षित करती है हमको। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आप देख लो कि माना कि मेरा एक घर है, उसको देखने वाला कोई है, ये है, फिर भी इतनी आसक्ति है और उसके कारण इतनी चिंता हो गई है कि कुछ कहना नहीं। और ये इन दिनों हो रहा है जबकि वो चीजें मेरी 4 साल से वैसी पड़ी हुई है। 4 साल पहले से मुझे कोई चिंता नहीं थी और इन दिनों अचानक से जैसे एक नकारात्मक चीज अटैक करता है ना आपके ऊपर और आपके माइंड को कैप्चर कर लेता, बिल्कुल उसी प्रकार से हमको इतनी आसक्ति हो गई है उन चीजों पे कि हमको लग रहा है कि पता नहीं ये क्यों ऐसा हो गया जबकि हमको इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए। इसका कोई कारण नहीं बनता, हम पहले से भी उतने कभी परेशान नहीं हुए या वस्तुओं के पीछे मेरा बहुत आसक्ति कभी नहीं रहा था, पर पता नहीं इन दिनों ऐसा बेचैनी है। कल तो हम गुरुदेव को बोले हैं कि गुरुदेव मतलब आप साधना करवाना है या फिर यही सब खाली 2 नंबर काम करवाना हमारे से, हम तो जनरल लेडी हो गए हैं, जनरल लेडी के चक्कर जैसे हो गए। नहीं गुरु बहन, इसमें क्या होता है, ये साधना के अंदर क्या होता है कि जो अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म स्तर पर हमारे संस्कार हैं वो उभरते हैं, है ना, क्योंकि उनका रूपांतरण होगा। तो रूपांतरण ये ऐसा ही है जैसे हम लोग होम्योपैथी की दवा खाते हैं और रोग उभर के बाहर चला जाता है, ठीक है ना। ये एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं है, गुरुदेव कहते हैं होम्योपैथी का ट्रीटमेंट की तरह ही हमारा जो आराधना है, इसमें कोई भी चीज होगी तो हमारे अंदर उठेगी और उठने के बाद में वो धीरे धीरे, क्योंकि रूपांतरण होगा, यदि वो दबी रह जाएगी तो दमित इच्छाएं तो फिर प्रकट हो जाएगी। और गुरुदेव कहते हैं जब तक अंदर में कोई इच्छा बची गई, जब तक अंदर में कोई बात है, तब तक उसको कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से सहस्त्राधार चक्र पहुंचेगी नहीं, ऊपर पहुंचेगी नहीं तो समाधि अवस्था में जाओगे नहीं। तो अंदर जितने भी चाहे रोग, अब रोग का मतलब ये भी एक रोग है, आसक्ति भी एक रोग है, क्योंकि मूलाधार चक्र से शक्ति उतर, आसक्ति एक रोग और बहुत बड़ा रोग है ये, ऐसा क्योंकि भयानक रोग है कि मेरी जो साधना चल रही थी इतनी लाजवाब साधना चल रही थी, जब से मैंने लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताया बस ये चीज अटैक कर गया। हम बोले कि जीवन में ऐसा हमको कभी अटैक नहीं किया है गुरु भाई, अब इतना ज्यादा मोह पैदा हो गया है ना, लग रहा है कि भाई मरने के ठीक पहले नहीं लोगों को चिंता होता है कि मेरा जमीन का क्या होगा, मेरा जायदाद का क्या होगा, कौन देखेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अंतिम सांस तक उसको मिलने का जो चिंता रहता है ना, बिल्कुल वैसा ही चिंता हमको ऐसा भयानक ढंग से पकड़ लिया है जो रात में भी पकड़ लिया, दिन में कभी चैन है ही नहीं। पता नहीं गुरु भाई हम सेशन में नहीं बोलना चाह रहे थे, लोग हंसी उड़ाएगा मेरा, पर हम बोल दिए। वैसे 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 भी गुरुदेव कहते हैं कि अमेरिका वाला तो वैसे ही भौतिकता के चकाचौंध में दबे ही रहते हैं, तो ये अच्छी बात है गुरु बहन, पर इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई विषय सोचने का हमारे को नहीं है, क्योंकि ये तो क्या होता है ना कि जैसे एक चीज और होती है जो मैं अनुभव किया हूँ, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं ना वहां का प्रभाव हमारे पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो बाहर आसपास के वातावरण में जो चीज चलती है ना वो हमारे यहाँ पर इस हमारे अंतर में घटित होना, क्योंकि प्रकृति हमारे अंदर भी है। तो जो जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो ये चीजें सारी घट रही, लेकिन उसका रूपांतरण हो रहा है आपके अंदर, ये पक्का है कि रूपांतरण हो रहा है। जो कमरा बंद है और खोलते धुआं धूल उड़ेगा उसमें झाड़ू लग रहा है तो उड़ने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गुरु भाई। और चौतमल जी गुरु भाई भी कुछ कह रहे हैं इस विषय में, तो मैं उनको लेता हूँ। चौतमल जी गुरु भाई स्वागत है, जय गुरु। बोलिए, कल तो हम ऐसा किए कि गुरुदेव को ही ड्यूटी दे दिए कि आप जाइए और मेरा घर देख दाख कीजिए, अब आपका इधर कोई काम नहीं है, और रात दिन उनको तकाजा कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, आके हमको रिपोर्टिंग कीजिए। हाँ ऐसे नहीं चलेगा, तो बहुत सारी बातें हो रही है, हम इतना नेगेटिव हो गए हैं ये इधर पिछले 3-4 दिनों से, और वो हमको बेचैन कर दिया है गुरु भाई। तो आज हम नहीं पूछते सेशन में, ये तो पूरा दुनिया ही सुन लेगा ये कितनी लालची लेडी है, पर अब हम बोल दिए,
क्या करें। नहीं ठीक है, साधना गुरु बहन कुछ कह रही है इसमें। साधना गुरु बहन स्वागत है, ज्योतमल जी गुरु भाई स्वागत है, आप भी आ जाइए जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ, विजय लक्ष्मी जी को बोलना चाहूंगी जो मेरे साथ भी घटित हुआ था कभी, और उसके बाद में ये बातें जब हम जिस दौर में चल रहे होते हैं और जब वो समय निकल जाता है तब हमें बातें वो समझ में आती हैं, आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसा कि दत्ता जी बोलते हैं कि हमारे जो नीचे के मूलाधार मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान है ना, ये जो चक्र हैं ये माया के हैं और इससे इनसे निकलना बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत असंभव चीज है। और इस समय जब मैं ये चीज मेरे साथ हुई कि मेरे साथ एक साथ अहंकार, लोभ, लालच, घृणा, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी, और इतना ज्यादा गुस्सा होता था, इतना ज्यादा गुस्सा आता था कि आप यकीन मानिए कि सामने वाला खड़ा है या तो मैं उसको मार डालूं या स्वयं को खत्म कर लूं। और उसी स्थिति में मुझे इतनी फिक्र होती थी सारी भौतिक चीजों को लेके कि मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास घर नहीं है अपना, मेरे पास पैसों की भी कमी है, और मतलब आपको क्लियर बताऊं, मेरे पास एक बेटी है, कभी भी किसी के भी कहने पे मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, मैंने मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैंने कोई भी इस तरह का डिसीजन नहीं लिया, मुझे एक ही बेटी चाहिए थी और एक ही बेटी मैंने रखी, और कभी भी मैंने किसी का कहना नहीं माना। उस समय क्या होता है, मेरे ऊपर इतना जबरदस्त ये चीज हावी हो गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास से चली जाएगी, है ना, मेरे पास तो कोई भी नहीं बचेगा, अब मैं क्या करूंगी, मुझे तो दूसरा भी चाहिए। जबकि उसके लिए मेरी मम्मी पापा आस पड़ोस जहां कहीं भी मैं रहती थी हस्बैंड के साथ किराए पे, वहां के लोग कहने लग जाते थे कि बच्चा और कीजिए आप और हम पाल के आपको दे देंगे। लेकिन मुझे इस बात का कोई फर्क ही नहीं था ना, क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए ही नहीं थी, लेकिन उस दौरान ये कंडीशन थी कि मुझे पैसा भी, बच्चा भी, मेरा घर भी, मेरे सारी चीजें, सुविधाओं के साधन भी, मतलब कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, होगा क्या। और इतनी फिक्र होती थी, इतनी फिक्र होती थी कि मेरी पूरी बॉडी जलती थी, मेरे शरीर से आग निकलती थी, मेरे सिर में से आग निकलती थी। दूसरा और क्या होता था, जब मैं मतलब आपको क्या बताऊं, ऐसी कंडीशन मैंने यूं कहती थी, और मंत्र मेरा जबरदस्त चलता था, इतना ज्यादा फास्ट चलता था कि मैं नहीं चाहती थी तो भी चलता था, मंत्र भी चल रहा है, ये सब कुछ भी हो रहा है, और कूलर और पंखे में बैठे रहने के बाद भी आप मुझे पसीने से लथपथ देख सकते थे। और रात में जब मैं सोने के लिए जाती थी तो मेरे साथ क्या होता था कि मेरी पूरी बॉडी जल रही है, सर में से आग निकल रही है, मंत्र जब कंटिन्यू कर रही हूँ और जबरदस्त गुरुदेव से प्रेयर ये कर रही हूँ, गुरुदेव इस दलदल से निकालिए, प्लीज गुरुदेव आप कुछ भी कीजिए, मुझे इस दलदल से निकालिए, ये हो क्या रहा है, ये सब कुछ चल क्यों रहा है, कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई, और अब ये जो है कि मुझे पागल किए हुए है, मैं तो या तो मर जाऊंगी या तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो ये सिलसिला कई महीनों तक चला और उस दौरान मेरी जो प्रॉब्लम थी वो भी बहुत जबरदस्त बढ़ी हुई थी, और मुझे मेरे पास कोई ना कोई 24 घंटे रहता था, चाहे वो मेरी माँ हुई, कोई भी उनको रहना, मेरी स्थिति को देखते हुए किसी ना किसी को रहना पड़ता था कि ये अकेली रहेगी तो ये मर जाएगी। और मैं एक जगह सो रही हूँ रात को, तो एक जगह से उठ उठ के मैं चार चार जगहें बदलती थी और मुझे नींद आने का नाम नहीं, और वही प्रक्रिया चालू रहती थी। लेकिन आपको ये बताती हूँ कि जब इस स्थिति से उबरोगे ना, आप ना, आप गुरुदेव आपको क्या देंगे आप सोच भी नहीं सकते हो,
मतलब इतने कमाल के हो जाएंगे आप, इसके बदले में गुरुदेव आपको इतनी जबरदस्त चीज जो कि मुझे सौंपा है, मुझे आज की डेट में ना कोई लोभ है, ना कोई लालच है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से, ना मुझ में अहंकार है, ना मुझे पैसे की फिक्र है, ना मुझे अपनी बच्ची की फिक्र है, ना मुझे अपने हस्बैंड की चिंता है, ना मुझे घर में कितना आ रहा है। इतना मस्त रहती हूँ कि जो है उसमें आनंद ही आनंद है। मतलब किसी भी चीज की फिक्र ना होते हुए एक बच्चा जैसे जीवन जीता है, जिस तरह से बच्चा एक जीवन जीता है ना, उसको ना आगे की चिंता ना पीछे की फिक्र, और निर्धनता पूर्वक अपना जीवन जिए जाता है। वैसी जिंदगी आप जिएंगी जब इस दलदल से बाहर आएंगी, तब तक तो आपको झेलना पड़ेगा। और गुरुदेव से कंटिन्यू आप प्रार्थना कीजिए और मंत्र जाप अधिक से अधिक बढ़ा दीजिए। बस यही मेरी प्रार्थना है। ये मेरे साथ बहुत महीनों तक चला था, और इस जब दलदल से निकली थी तो मैं आपको, लोग मुझसे, मेरी मम्मी भी ये कहा करती थी कि बेटा अब तुझे क्या मिल गया जो तू वो अकेली खुश रहती है, अब तुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। माँ से भी बोलती थी, मम्मी आप जाओ, मैं अकेले रह पाऊंगी, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी के भी। बिल्कुल सही कह रही साधना गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रही कि जो वृत्तियों का रूपांतरण है इसी प्रकार से होता है, सात्विक से रासिक, रासिक से तामसिक, और सात्विक कृति का बहुत जल्दी अटैक होता है। उसके बाद में जो रासिक और तामसिक वृत्ति प्रकृति के अधीन है, तो स्वाभाविक रूप से प्रकृति के अनुसार चेंजेस होती है। और ये आपकी जो अनुभूति है विजयलक्ष्मी गुरु बहन इसको सुन रही होंगी, तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें गुरु बहन, ऐसी परिस्थिति से गुरुदेव निकालते हैं ताकि घड़ा पूरा एकदम से पक जाए तो फिर फूटे नहीं। तो ये अंदर से तपाया जा रहा है साधना में, ऐसा लोभ मोह माया आकर के हमारे अंदर भी आई है, सबके अंदर आती है। हो सकता है इससे भी भयंकर स्थिति पैदा हो अभी आपकी, क्योंकि मैंने झेला हुआ है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि आपको दिन रात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि गुरुदेव ही इस चीज से निकालेंगे ना, है ना, गुरुदेव ही इस चीज से निकालने वाले हैं। आप मत जब कीजिए, और अगर आप निकालना चाहती हैं तो अपन कहते हैं ना, आराधना, देखिए आराधना हमारी जितनी तगड़ी होती है, हम जितनी ऊपरी मतलब कक्षाओं में जाते हैं ना, हमारी जो एग्जाम होते उतनी ही कठिन होते हैं। तो हमारी आराधना जितनी अधिकतम उच्चतम स्तर पे जाएगी, उतनी ही हमारे परीक्षाओं का और इन सब चीजों से निकलना उतना ही कठिन है। लेकिन निकलने के बाद में जो हमें जो मिलता है ना, वो आप शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं, वो भी एक छोटा पड़ जाएगा, शब्द आपके फीके पड़ जाएंगे। चलिए गुरु बहन, बहुत सुंदर है, विजयलक्ष्मी गुरु बहन को इस विषय का उत्तर मिल गया होगा। हम आगे और भी गुरु भाई हैं, गुरु बहन बोलिए, आप कुछ कह रही हैं विजयलक्ष्मी गुरु बहन। हम बोल रहे हैं, बातें ये है कि वो चीजें हमारी है और आसक्ति उतनी ज्यादा है। हाँ, और दूसरी बात है कि गुरुदेव हमको क्या निकालेंगे, हम गुरुदेव को खुद उस दलदल में डाल दिए हैं, डेली रिपोर्टिंग मांगते हैं डेली रिपोर्टिंग मांगते हैं कि आज का क्या अपडेट है, कुछ बोलते क्यों नहीं है, कुछ चमत्कार क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, फिर उनकी तस्वीर के सामने बैठ जाते हैं, फिर बोलते सब बात तो तुमने सुना, ये बात में तुम मौन का किधर गायब हो गया है, आओ इधर आओ। भाई मजे की बात यह है कि जब कोरोना पीरियड चल रहा था तो मैंने इनसे इतनी डिमांड की कोरोना टाइम में, मेरे उस रिश्तेदार के घर 5 लाख रुपया रख दो, अलमीरा में छिपा के रख दो, ये कर दो वो कर दो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरे जानकार लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू मेरा भगवान है और तू ये कर सकता है। अब इतना हम इनको तंग किए हैं पैसे के लिए कि आप यहाँ डालो वहां डालो, बस इन्होंने क्या किया, मेरे पे फाइन लगाया, मेरे को कोई 2 लाख रुपए ठगा। तो जिस तरह दयालु हम बने हुए थे उसी तरह देने के लिए भी हम दयालु हैं। हम कोई भी चीज अपने भूखे रह जाएंगे पर हम दे देते हैं पहले, और सोचते हैं अपनी शक्ति पे हमको विश्वास है कि ये चीज मेरे पास आ जाएगा। तो अब इस दोपहर में नहीं खाया कोई बात नहीं, शाम में खा लूंगी।
तो ये चीज मेरे में शुरू से बचपन से है, और अपने पास हो ना हो दान की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, तो मैं दे देती थी। तो उसी तरह गुरुदेव ने क्या किया, मेरी धन को लुटवाया। जब लुटवाया तब मुझे मजा आ गया, हम खूब हंस रहे बोले कि 4 लाख देने बोले थे, 2 लाख लगता है मेरा वाला दिया है फिर वैसी वाली एक जुनून सवार हो गए। थोड़े दिन पहले हुआ था कि हवा में, वो बहुत गुरु भाई बहन हवा में उड़ रहे थे, तो अब हम बोले कि अमेरिका में प्रचार के लिए इससे बड़ा उत्तम काम और क्या हो सकता है, आप हमको हवा में उड़ाए, ऑटोमेटिक हम पूरे प्रचार में आ जाएंगे, इतना सैटेलाइट चलता है, ये चलता है, क्या और क्या है। तो जैसे ही हवा में उड़ेंगे निकलेंगे बाहर, लोग फोटो खींचेगा, मीडिया में आ जाएंगे, उसके बाद तो गुरुदेव का प्रचार 1 मिनट में हो जाएगा। दो चार दिन बहुत रिक्वेस्ट किए, हवा में उड़ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, तो उड़ेंगे कहाँ। गुरुदेव कहते हैं चमत्कार नहीं है ये, चमत्कार नहीं है ये, वंडर नहीं है। पश्चिम वाले बोलते कि वंडर थेरेपी, गुरुदेव कहते नहीं ये वंडर थेरेपी ना मिरेकल है भाई, ये तो पूरा, ये तो ड्यू विकास है। जो ड्यू विकास एक प्रोसेस होता है, और आध्यात्म के अंदर गुरु भाई ऐसी कोई चमत्कारी घटना कभी नहीं होती। जो हमको लगता है ना, कोई परेशान हो गए होंगे मेरे से, बोलते नहीं जब से आई है तब से आफत हो कर दी है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे गुरुदेव कहते हैं जो चैलेंज करता है ना वो उसका जल्दी परिवर्तन आता है। गुरुदेव ने भी कहा कि चैलेंज कर दो मुझे, देखो फिर। चैलेंज नहीं करते ना, उनको पता है ना बहुत पावरफुल, यही तो गोविंद है ना, गोविंद नारायण, नारायण धरती पे आ गए और अब नारायण से डायरेक्ट बातचीत हो रहा है, तो ये तो जानते हैं मनुष्य की प्रवृत्ति जानते हैं ना। तो फिर अब पूछते हैं नारायण आप मेरा लगता मणिपुर में लटके हुए, हम ऊपर करिए, हमको सात्विक बनाइए, हमको सात्विक बनाइए, फिर हम दलदल में घुसते हैं। जैसे घुसते हैं नारायण का पैर पकड़ के भी उनको भी घुसा लेते हैं, चलिए आप भी मेरे साथ काम करो। तो चलिए बहुत सुंदर अनुभूति, मैं इसी अनुभूति में एक अनुभूति जोड़ना चाहता हूँ। आज क्या हुआ कि ये देखो गुरुदेव कैसे करते हैं कि मैं आज सुबह प्रचार में चला जाता हूँ, सुबह तो घूमता है गार्डन में, घूम रहा था, प्रचार कर रहा था, एक दो को बताया, उन्होंने पर्चा लिया समझ करके वापस दे दिया कि भैया नहीं करना हमको। तो मैं चलते चलते गुरुदेव से बोला, गुरुदेव क्या हम लायक नहीं रहे या हमारे अंदर योग्यता नहीं बची आपके प्रचार की, चलो हम घर चलते हैं, हमको कुछ नहीं करना। और ये कहने की देर लगी गुरु बहन की, एक दंपत्ति यानी पति पत्नी बैठे थे वहां पर गार्डन में, बोला मैंने उनका कि चलो, मैंने कहा इनको बोल के चलते, एक पर्चा देके चलते। जैसे दिया बोला 2 मिनट बताया कि बोला बैठ जाइए हमारे पास। अब बिठा लिया तो जो दर्शन की जानकारी चालू, तो बोले और बताइए और बताइए और बताइए। वो बोला हमारी एक बहन यूएसए के अंदर है। मैंने कहा कि हमारी भी एक गुरु बहन यूएसए के अंदर, उसको नंबर आपके दे देंगे। तो उन्होंने 1 घंटा पूरा लगा दिया। मैंने कहा अब तो मुझे स्कूल भी तो जाना है। बोला गुरुदेव ने कहा कि तू कह रहा था कि तेरे को प्रचार के लायक नहीं रखा, ले प्रचार करवाता हूँ तो चैलेंज यदि कर दोगे ना तो गुरुदेव की लीला परम पार है फिर तो। ये तो बड़ा अद्भुत आनंद है। चलिए अमन पाल जी गुरु भाई को आमंत्रित करते हैं। विजयलक्ष्मी गुरु बहन का विषय रखा है उन्होंने बहुत सुंदर, हमारे यूएसए से जुड़ते अमन पाल गुरु, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जी जय जय गुरुदेव। किसी गुरुदेव से मतलब किसी भगवान से इतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी गुरुदेव से होती है। मेरे दो तीन वो हैं यार में, एक तो मेरे घर पे जो मेरा मन नहीं लगता था उसमें ध्यान में, या मैं कहीं भी इधर उधर की जो बातें हैं वो रखता है, सब गुरुदेव ने छुड़वा दी नंबर वन। और जी जी जो काओ है गाय है उसके एक घोड़ा था वो मतलब हो गया था। मेरे भैया ने कहा गुरुदेव आपकी क्या क्या मर्जी से हटाओ नहीं तो से छोड़ो, डॉक्टर बहुत पैसा मांग रहे थे उसका। गुरुदेव से बोला आपकी क्या मर्जी है गुरुदेव, ये इसे सही करो नहीं तो सब कुछ करो। गुरुदेव ने मतलब 2-3 दिन बाद वो फोड़ दिया, इतनी मवाद निकली गुरुदेव ने, इतनी मवाद निकली कि उसे कपड़े से हमने कपड़ा किया, पर आज वो सूख गया, बिल्कुल सूख गया वो पूरा। गुरु भाई क्या बात है गुरु भाई, बहुत दिव्य बात, बहुत दिव्य अनुभूति सुनाई आपने कि किस प्रकार से वो मानव मात्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र की बात नहीं करें, जड़ और चेतन के अंदर गुरुदेव काम करते हैं। ये बहुत सुंदर बात थी और बहुत अद्भुत अनुभूति है। और इतनी वचनती, इतना उसे इतना एकदम आसान थी, शांति मिली, आसान थी, इतना उसे
लाभ मिला इतना, वो हुई वो गाय आज बिल्कुल, मैंने बोली बिल्कुल वो जख्म सब बिल्कुल सूख गया। मैं कि गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, से हमें आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और परसों की अनुभूति बताता हूँ कि मैं कहीं जा रहा था, मुझे ऐसी जगह पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा था, अंधेरा हो गया था बहुत ज्यादा। दूध सप्लाई करने जा रहा था, उसका कोई वो नहीं था कि इंटरनेट वगैरह वहाँ कोई भी, मेरा फोन भी कर रह गया। तो वहाँ मुझे गुरुदेव ने ये खड्डे में कौन से अंधेरे में डाल दिया आपने, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। तो गुरुदेव मुझे बाहर नहीं, 10 मिनट में मैंने गुरुदेव का मतलब मंत्र जाप और उनका ध्यान कर रहा था, मैं उससे मीटिंग से नहीं जुड़ पा रहा था, मैं अंधेरा टाइप का था। तो गुरुदेव ने मेरे को 10 मिनट में अंधेरे से बाहर निकाला। तो गुरुदेव तुम्हारे तो नीला यत्न का है, क्योंकि गुरुदेव और कर की घटना में मेरा वजह रहना मतलब वो ना मानसिक संतुलन उसका वैसा है, वो मंत्र जाप कर करवा रहे थे उसे जो मंत्र जाप और ध्यान लगा रहे थे वो नहीं रहते, मतलब उसने ऐसी मतलब आसानी मतलब वो मम्मी ने उसे बिठाया भी बहुत ज्यादा नहीं रहती। आज है भी मम्मी सबसे तीन कई काम की जरूरत होगी तो आपको उदाहरण दे, तो मम्मी ने बिठाया तो मम्मी को उसने उल्टा सीधा बोला और बाहर गया, नीचे पत्थर या डाली इतनी गंदी गंदी उसने मतलब इतनी गंदी गंदी आसुदियाँ डाली दे रहा था। आप भी सुन के थोड़ा आपको भी थोड़ा वो लगे कितना गलत, कोई बात नहीं। आज गुरुदेव से रात भैया के कारण गुरुदेव क्या है तो उसे अपनी शरण में ले लो, नहीं तो उसे हटा दो। तो वो रात में ही अपना बिस्तर लाप लेके रात में निकल गया, आया नहीं अभी तक उसका पता नहीं है। तो मुझे अब तो मार देगी, मैंने ऐसी एक्टिविटी करी गंदी अब तो मार देगी। तो सुबह गुरुदेव का ध्यान दे रहा था मेरा बड़ा भाई का, तो उसे गुरुदेव ने सारा गुरुदेव ने दिखा दिया कि इसके ऊपर ये चीज है, और अपने स्थान पे जहाँ गुरुदेव का यहाँ से रो रहा है टकरा रहा है मुझे छोड़ दे, उसके साथ कोई तांत्रिक शक्ति है जो इतना अच्छा। रो रहा है इतना गुरुदेव ने अपने दर्शन भी दिखाए परसों, एक उसके 2 दिन पहले गुरुदेव ने अपने उनको रूप दिखाया। तो गुरुदेव ने दिखाया कि आप बेटा तू चिंता मत कर, मेरा सरदे तेरा हमेशा साथ है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब मेरे भरोसे रहेगा मैं सही कर दूंगा। अब आज सुबह उसे पूरा दिखाया, अभी तक मेरा भाई कह रहा उससे आप कुछ मत बोलना, अब गुरुदेव ही करेंगे। गुरुदेव ने मेरे को पूरा दिखा दिया कि उसके साथ ऐसे ऐसे कोई ऐसी आसुदियाँ जो द्वारा उसके द्वारा कोई वो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, हम कुछ भी डांटे कुछ भी करें कुछ भी उसका असर नहीं पड़ता। गुरुदेव वो कह रहा मेरा ब्रदर कुछ भी उसके साथ बोलना मत, अब तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, गुरुदेव का ध्यान करूंगा, मंत्र जाप करूंगा, गुरुदेव से ही शरण में कहूंगा उसे आप ही सही करोगे। जी गुरु भाई बहुत सुंदर अनुभूति, गुरु भाई बहुत आनंद आ गया आपकी अनुभूति सुनने के। चले अभय सिंह जी को लेते हैं, कल आपकी अनुभूति और सुनेंगे, एकदम रोज अनुभूति सुनाया करो, एकदम नई नई, बड़ा आनंद आएगा। चलिए अमनपाल गुरु भाई जो हिमाचल से जुड़ते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर अनुभूति सुनाई, अब मैं अभय सिंह जी गुरु भाई भी कुछ कहना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत करूंगा, फिर सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। अभय सिंह जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जी गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है पूरी तरह से, आपकी आवाज को ठीक करिए, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। अभी भी कट कट के आ रही गुरु भाई आवाज, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू लग रहा मुझे लगता है। गुरुदेव के वासी संस्था से वो मंगाया तो मुझे बांटने के लिए, मतलब वो है तो कि ऐसा है कि मैं मतलब ये चीज जो है गुरुदेव का सामग्री वगैरह है, पेम्पलेट है और क्या बोलते हैं अपने कैलेंडर वगैरह है,
तो बांटने के लिए मैंने मांगा, तो मतलब उसमें किसी मतलब व्यक्ति के लिए झिझक नहीं है, किसी को भी बांट सकते हैं, दे सकते हैं, तो ये प्रश्न मुझे पूछना था। इसीलिए मतलब कि क्योंकि सभी तरह के लोग हैं, तो कहते हैं कोई कहे गुरुदेव बताते हैं भाई वो उधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो मतलब इसलिए मुझे थोड़ा संकोच था। नहीं, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं अभिषेक जी, गुरु भाई, गुरुदेव का जो प्रचार का जो पंपलेट है आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी जाति किसी धर्म विशेष में कोई समस्या नहीं है, किसी को भी दे दीजिए। वो क्या करेगा हमें नहीं सोचना है, वो अपने को दे करके अपने को बता देना कि भैया ये गुरुदेव है, इनका 15 मिनट ध्यान करके इस फोटो का देख लीजिए और एक मंत्र देते हैं इस पर सुन लीजिए, बाकी गुरुदेव जाने उनका काम जाने। क्योंकि गुरुदेव को जो प्रचाप देंगे ना, जिस व्यक्ति को देंगे ना, आज आपके माध्यम से नहीं जुड़ा तो कल किसी और के माध्यम से वापस जुड़ेगा। क्योंकि एक अनुभव है ये कि हमें बहुत सारे साधक मिलते हैं जो उनको किसी ने पर्चा दिया तब नहीं जुड़े थे, वापस आज जब उनको हम पर्चा देते बोले कि हमको याद आ गया, सारा रिकॉल हो गया है और हम करेंगे इसको। वही तो, बाकी मैंने उसमें क्या बोलते हैं सामग्री में सारे मंगवाए ले, गुरुदेव के जो मंत्र के भी एक कॉपी दो पेज की कॉपी टाइप आती वो भी दी है, कार्ड्स भी दिए है, स्टिकर भी मंगवाए हैं, पैम्पलेट्स भी मंगवाए हैं, और क्या बोलते हैं अपने कैलेंडर्स भी मंगवाए थे, तो वो सब उसी में थे, तो मतलब इसलिए सबको बांटी। और मैं सभी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिसको कोई पंपलेट चाहिए सीधा आश्रम से मंगवाए, नहीं आ पा रहा वहां से किसी कारणवश से, तो हमें बता दे, हम लोग अपने यहाँ से भेज देंगे कोटा से। कल कैलेंडर मंगवाए आप, पंपलेट मंगवाए, पर्चे मंगवाए, चिपकाने वाले मंगवाए, स्टिकर जो लगा दे, ताकि गुरुदेव के प्रचार को हम लोग गति प्रदान करें, ये निवेदन है। गुरु भाई बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। चलिए अब इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। 9:45 बज गए हैं और सेशन का समय भी पूर्ण हो गया। मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि जिस किसी और साधक का प्रश्न जिज्ञासा या अनुभव रहे तो कल हम लेंगे, आज के लिए हम यही गुरुदेव के चरणों में सेशन को रखेंगे। कार्तिक के गुरु भाई जी बहुत बहुत जय। गुरुदेव कुछ कह रहे हैं क्या जी? चलिए हिंगू जी, गुरु भाई बहुत बहुत जय। गुरुदेव आप पधारे सेशन का। हिंगू जी गुरु भाई जय। गुरुदेव गुरु भाई जय। गुरुदेव जय। गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय। गुरुदेव रामलाजी भाई जय। गुरुदेव जय। गुरुदेव चंद्र जी गुरु भाई कैमरा अपना रिकॉर्डिंग बंद कर। जय गुरुदेव। कल की अवतार की जय।